अरे भाई साहब, ये तो साला जिंदा घोस्ट राइडर है भाई, ये तो जल ही नहीं रहा। हाँ यूजिन, जल जा ब्रो। हे गाइस, मैं आपका दोस्त ए एस इपिक और आज मैं आ चुका हूँ दोबारा से चूचू चार्ल्स के एक अमेजिंग वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इम्पॉसिबल थिंग्स करने वाले हैं, जो इस गेम को एक और हटके और बिल्कुल अलग स्टोरी देने वाला है। इस गेम की स्टोरी को मैंने फिर से पूरी तरह से चेंज कर दिया है, जो तुम्हें काफ़ी शॉक कर देने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो अगर तुम्हें पसंद है तो लाइक ज़रूर करना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा गेम हो चुका है स्टार्ट, और तुम्हें पता होगा कि अभी हमें जाना है इस तरफ यूजिन की तरफ, बट हम इस तरफ नहीं जाएंगे, हम जाएंगे उल्टी साइड। हम इस पानी में जंप करने की कोशिश करेंगे, बट तुम्हें पता होगा कि यहाँ पे एक वॉल है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। तो मैंने सोचा कि इस वॉल का एक ब्रेक पॉइंट तो ज़रूर होगा जो कहीं ना कहीं जाके टूटता होगा, तो हम उस चीज़ को क्रॉस करने के लिए पूरा ऊपर जंप लगाएंगे जब तक हम इस चीज़ को पार नहीं कर लेते। तो मैं इसी तरह से पूरा ऊपर जंप अभी कर रहा हूँ कि शायद से मैं क्रॉस कर लूँ। तो अभी हम और ऊपर जाएंगे जब तक हम इसे क्रॉस नहीं कर लेते, और देखते हैं क्रॉस कर पाते हैं कि नहीं। और मैं उस सुसाइड वाले डेड बॉडी को देखूंगा ज़रूर, मैं इस पानी में बस जंप करना चाहता हूँ। और आई थिंक मैंने क्रॉस कर लिया है क्या, कुछ ज़्यादा ही ऊपर आ गया आई थिंक, शायद से कर लिया। हाँ कर लिया मैंने शायद, चलो देखते हैं। अभी नीचे गिर रहा है, पानी में नहीं गिरना है अभी। हाँ हाँ क्रॉस कर लिया मैंने, वो तुम देख सकते हो मैंने क्रॉस कर लिया है। अब हम थोड़ा आगे जाएंगे, वो ये देखो, वेट ये बंदा को देखो। तो चलो हम इसको एक काम करते हैं, हम अंदर से पानी के अंदर से इसको देखने की कोशिश करते हैं। वो वेट, ये क्या हो गया? आ, अबे ये तो सीधा हमें ट्रेन में पहुंचा दिया भाई। अरे भाई साहब, तो कुछ अलग ही हो गया। और ये क्या है, ये ब्लड, ऊपर से ये डोर भी बंद है। ओके, तो ये डोर को अभी मैंने खोला ही नहीं है और ये डोर बंद है, और ऊपर से मैं अंदर हूँ ट्रेन के। ये तो नया चीज़ हो गया, अभी ट्रेन को स्टार्ट भी नहीं कर सकते हम। तो इधर मैं फंस गया क्या? नहीं, मुझे शायद हेल्थ वेल्थ तो सब ठीक ही है ट्रेन का। मुझे शायद ये गन पकड़ना है क्या, पकड़ लेता हूँ। अब कुछ होगा शायद। वे ये कहाँ से आ गया, ये पागल आदमी, ये आखिर है कौन? ये यूजिन भूत है भाई, ये दरवाजा खुला ही नहीं है, फिर ये आया कहाँ से? ये तो लॉक्ड है, ये तो खुल भी नहीं रहा। अबे यार ये बुड्ढा, ट्रेन स्टार्ट करते हैं। ओनो, ट्रेन भी स्टार्ट नहीं हो रही। तो अभी मैं क्या करूँ इधर? ओ आई थिंक मुझे इससे बात करना है पहले। ओ उस यार, हाँ अब हो गई स्टार्ट शायद। हाँ अब हो गई, ये ब्रेक कर दिया, रोकते हैं। ये डोर तो अभी भी लॉक्ड है। अभी वो उस वाला यूजिन को देखते हैं, वो आया है क्या? वो उधर से आ कैसे गया? बट थोड़ा स्पीड बढ़ाया मैंने, कैसे हो सकता है? डोर सारे लॉक थे, मैं भी अंदर पहुंच गया, वो भी अंदर पहुंच गया। इस गेम में काफ़ी सारे ग्लिचेस हैं यहाँ का। वेट, ये गधा अभी भी यही खड़ा है, लो। और ये डोर खुला हुआ है, ये डोर किसी ने खोला नहीं, बट ये खुला है। वो डोर बंद था, फिर भी वहाँ से यूजिन आ गया भाई। तो अभी हम एक काम करेंगे, हम अभी जाएंगे और उस की को लेंगे, और उस की से इस डोर को भी खोलेंगे। तब तुम्हें क्या लगता है कि और एक यूजिन आएगा क्या यहाँ पे? तो अगर और एक यूजिन आ गया तो फिर तो तीन यूजिन क्रिएट हो जाएंगे भाई। चलो देखते हैं क्या होता है अब। है ये इस पूरे गेम में, ये तो ट्रेन में है, ये महाजन ट्रेन में है, एक उधर उधर खड़ा है, ऊपर से यहाँ से कौन बड़बड़ा रहा है? चलो इस गेट को खोलते हैं अभी, देखते हैं कुछ। नहीं, इधर भी कोई नहीं है। नहीं, ये क्या हो रहा है ये सब? कुछ ज़्यादा ही कन्फ्यूजन वाला गेम है। तो अभी हम एक काम करेंगे, हम इस वाले यूजिन को ना चाल से मरवा देते हैं और देखते हैं क्या होता है फिर। इसको मरवा देते हैं पहले, मर जा, मार 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 भूतनी को, मार दे, जल्दी मार दे। ये बेवकूफ़ बुढ़ा आदमी, ये नहीं सुधरने वाला है, ये ऐसे इसी तरह बड़बड़ाते रह जाएगा, भले ही इसकी छाती में चार्ल्स अपना पैर घुसा देगा तभी भी। तो अभी मैंने ट्रेन को रोक दिया है ताकि चार्ल्स हमें अच्छे से मार पाए। बताओ, चार्ल्स से मार खाने के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। और ये मर क्यों नहीं रहा? ओ मर गया, मर गया, मर गया, वेरी गुड। अच्छा वो मर गया है, मर जा मर जा। वो चबा गया, उसको चबा गया। चलो अब हम और एक चीज़ देखते हैं कि ये मारने के बाद आखिर चार्ल्स जाता कहाँ है। पहले यही देखते हैं कि ये भूतनी का जाएगा किधर आखिर। ये तो मार दिया, काफ़ी तेज़ भाग रहा है।
वो बेचारा उधर मरने वाला है, फिर भी वो देखो मरते मरते भी ये क्या हो गया, कहाँ गया ये? हैं, ये बेचारा मरते मरते बड़बड़ा रहा है। चलो पहले उसे देखते हैं, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी तब। वेट, फाइंड माय सन कर रहा है, बट ये कहाँ गया अब? यार ये गेम किसने बनाया, ये कहाँ गया? ये उधर चार्ल्स गायब हो गया, इधर ये गायब हो गया। मैंने जो यूजिन को छोड़ के आया था, वो यूजिन गायब ना हो जाए, उसे देखना पड़ेगा। चलो चलो उसको देखते हैं। ये पागल आदमी, ये भी गायब हो जाएगा तब तो हो गया। हाँ चलो ये है, इससे इससे बात करें क्या? अब बुड्ढे, चलो इससे बात करते, देखते हैं ये क्या करता है अब। तो अभी तुम यहाँ एक चीज़ देख सकते हो कि यूजिन मर चुका है, मर के गायब भी हो गई उसकी बॉडी, फिर भी ये जिंदा है और ये अभी वहाँ से जा रहे हैं उधर। तो ये और एक स्टोरी बना दी मैंने, देखा? यूजिन मर के फिर जिंदा हो गया। इस गेम में चार्ल्स कोई खतरनाक नहीं है यूजिन के सिवा। यूजिन इज डेंजरस, यूजिन के पास भाई शक्तियां हैं। तो अभी देखते हैं, ये यहीं आके रुक गया। अंदर जाना भूतनी के, अंदर जा, शकल क्या देख रहा है हमको, घूर क्या रहा है, जाओ अंदर। यार लग रहा है अब इधर ही खड़ा रहने वाला है ये, उस समय की तरह जैसे पिछली वाली वीडियो में था ना, ये इसी तरह उसी समय यहीं खड़ा रहेगा अब, ये नहीं हिलने वाला यहाँ से। तो मेरे दिमाग में और एक खुराफाती आइडिया घूम रही है, तो अब मैं अपनी ट्रेन को पहले उस यूजिन के पास लेके चलता हूँ। तो ये अभी हम पहुँच गए, वो देखो वहीं पर खड़ा है वो। अब ट्रेन को रोकते हैं और यूजिन के पास जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये बेवकूफ़ इधर शांति से खड़ा है, इसकी शांति को भंग करेंगे और इसको अब हम मारेंगे गोली। देखो ये उठाया बंदूक, मार साले को। हैं, ये तो कुछ भी नहीं हुआ। ओह नो, इससे कुछ नहीं हो रहा, इससे कुछ नहीं हो रहा। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं लाऊँगा फायर फ्लेम, इससे कुछ नहीं होगा। ठीक है मैं फायर फ्लेम लाऊँगा। तो मैं जा रहा हूँ अभी फायर फ्लेम लेने, और वो वेपन मुझे मिलेगा इधर, नहीं ये रहा, इधर इधर जाना पड़ेगा। यहाँ मार्क कर देते हैं और अब देखते हैं कितनी दूर है। वही तो काफ़ी दूर है यार, चलो उड़ के जाएंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे। फटाफट फटाफट चलते हैं। चलो गाइस पहुँचने ही वाले हैं, और ये पहुँच गए। और ये देखो तुम, टकले का स्टाइल देखो उधर उसका, ये सब कुछ जल रहा है फिर भी ये हाथ पे हाथ धरे खड़ा है टकला। चलो इसकी मदद करते हैं, पानी से हम इसको बुझा देते हैं। टकला खुद भी कर सकता था लेकिन नहीं, उसको हाथ पे हाथ धरे खड़ा रहना है। तो इसका अभी हमारा इससे बात कर लेते हैं इससे, और वो अभी फ्लेम वो जो है वो हमारे ट्रेन में स्पॉन हो चुकी है, तो अभी हम जाएंगे उसको करेंगे, ट्रेन की तरफ मार्क कर देते हैं। ये रही मेरी ट्रेन, और अब मुझे वापस से उड़ के जाना पड़ेगा वहाँ। फटाफट जाते हैं उड़ के, और अब हम देखेंगे कि हम यूजिन को बर्न कर सकते हैं कि नहीं, जला सकते हैं कि नहीं। ये रहा मेरा फायर फ्लेम, इसको उठा उठाया, अब मारते हैं, जल जल जल। अरे भाई साहब, ये तो साला जिंदा घोस्ट राइडर है भाई, ये तो जल ही नहीं रहा। हाँ यूजिन जल जा ब्रो, यहाँ से नहीं चलेगा, थोड़ा एंगल बनाता हूँ थोड़ा ट्रेन को ना, मुझे लगता है थोड़ा ट्रेन को और आगे लेना चाहिए, उसके बाद थोड़ा सा बस थोड़ा सा ये बस यहाँ से मारते हैं, यहाँ से जलाते हैं, यहाँ से अच्छा एंगल मिल रहा है। जल जल जल, अरे भाई जल जा, उसके चारों तरफ के सामान सब कुछ जल रहा है बट ये नहीं जल रहा है गांडू। नहीं इससे भी कुछ नहीं होने वाला, देखो इससे चार्ल्स जल जाता है लेकिन ये नहीं जल रहा है, बताओ ये नहीं जल रहा है भाई। देखो वैसे ही खड़ा है ये, मुझे वेपन चेंज करना होगा। अब मैं जाऊंगा सीधा मिसाइल वाला लूँगा, मिसाइल को पहले जाके वो करूँगा, उसको पहले मार्क करता हूँ, उस वेपन को लेके आता हूँ, उससे उड़ा दूँगा, उससे उड़ जाएगा शायद, देखते हैं उससे क्या होता है। तो मार्क कर दिया मैंने, फटाफट चलते हैं उधर। तो ये अभी मैं मिसाइल्स लेके आ चुका हूँ, तो ये अभी ये भी हो गया हमारा काम। अब हमारे ट्रेन में ये मिसाइल भी स्पॉन हो चुका है, अब फटाफट अपनी ट्रेन की तरफ चलते हैं। मेरे धन्नो किधर है? अरे ओए कहाँ चली गई? अच्छा नीचे है शायद, ये रही मिल गई। तो अब चलते हैं इधर अपनी ट्रेन के पास और उड़ा के देखते हैं उसको, शायद इससे काम बन जाए, लेकिन उसको तो मैं मार के छोड़ूंगा। ये आ गया मैं अपनी ट्रेन के पास, और अब इसको उड़ाते हैं। ये रहा मेरा मिसाइल लॉन्चर, अब मारते हैं, अब तो फूट जा ये दे, मारा पूरा मिला के मारा था मैंने। अरे नहीं लगा, थोड़ा नीचे मारना चाहिए। अरे ये कहाँ चला जा रहा है, थोड़ा नीचे मारता हूँ। ओ भाई
अरे इसे कुछ नहीं हो रहा। अबे यार ये नहीं मरने वाला है यार, इसको कुछ नहीं हो रहा क्योंकि भाई साहब नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, और मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ कि तुम्हें डरना चाल से नहीं है, तुम्हें डरना है इस भड़वे से, क्योंकि आखिर में यही सबसे डेंजर है। ये कहाँ कहाँ से, इसको कुछ से भी फ़र्क नहीं पड़ता, जिससे हम चार्ल्स को मार सकते हैं वेपन से, उस वेपन से इसे घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ठीक है गाइस आज के लिए बस इतना ही, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।